बन रहा है बहुत ही स्पेशल रेसिपी। ये रेसिपी दोस्तों आप सबको पसंद आने वाला है। मेरे घर में तो सभी लोग इस रेसिपी का दीवाना है, तो चलिए फटाफट बनाते हैं। बनाने के लिए आपको ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है, जो आपके किचन में है उसी से ये टेस्टी रेसिपी बन जाएगा। मैंने लिया है कटहल आलू। फटाफट कटहल आलू को अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करते समय आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, दोनों को मिक्स करके आप इसे ढक दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप चेक कीजिए कि आपका कटहल बॉईल हुआ है कि नहीं। जब बॉईल हो जाए तो उसे ठंडा करने के लिए साइड में रख दें, उसके बाद आगे की तैयारी करें। मैं आपसे मिलूंगी 10 मिनट बाद। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुका है, अब मैं चेक करती हूँ कटहल आलू को, तो ये सही से बॉयल हो गया है, आप देख सकते हैं। फूरन में मैंने डाला है सरसों का तेल, तेजपत्ता, साबुत जीरा, हरा मिर्च, प्याज, इन सबको आपको गलाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। तो अभी मैं गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे भून रही हूँ प्याज हरा मिर्च को। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। तो प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कटी हुई टमाटर। अब चलिए दोस्तों आगे के काम शुरू करते हैं। तो कटहल आलू बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब उसको अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने के बाद इसमें आपको मिक्स करना है हल्का फुल्का मसाला। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं इसमें डाली हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 3 चम्मच बेसन। दोस्तों ये रेसिपी ना जब ठंडा मौसम हो, बारिश हो, तब आप बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कटी हुई प्याज हरी मिर्च। तो दोस्तों अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, जब आप तलते हैं ना उस वक्त इसमें नमक डालिए, पहले से नमक डालकर ना रखें। तो आप देखिए मैं सही से मिक्स कर ली हूँ, मैं तलते वक्त इसमें नमक डाल रही हूँ। अब चलिए फटाफट छोटा छोटा बॉल बनाते हैं। बॉल बना कर गैस की तरफ चलेंगे। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिश्रण लेकर आप अपने हाथों से इसे शेप दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो लंबे शेप में भी बना सकते हैं, गोल शेप में भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं गैस की तरफ। गैस की तरफ मैं आई हूँ, आप देखिए तेल पूरा अच्छा से गर्म हो गया है। तो जब आपका तेल धुआंधार गर्म हो जाए तो आप गैस का फ्लेम लो करके ही एक एक बॉल को डालें तेल के अंदर। ऐसा नहीं हाई फ्लेम पर आप डालेंगे ना, तो जैसे आप डालेंगे वैसे ये फैल जाएगा। आप पहले तेल गरम कर लें, फिर लो फ्लेम पे कर दें, उसके बाद डालें, बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। देखिए मैं एक साथ कितना डाली हूँ बॉल को। जब एक तरफ से सिक जाए तब आप पुलाट पुलाट करके इसको अच्छे से सेकिए। तो ये रेसिपी दोस्तों ऐसे मौसम में बनता है, आप देख सकते हैं। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है दोस्तों। मैं बारिश देखकर ही ये रेसिपी बनाना स्टार्ट की। तो जब आपके शहर है या गांव है, जो भी है, वहाँ पे ऐसे मौसम बना है पूरा ठंडा ठंडा, तो आप भी मौसम देखकर ही ये रेसिपी बनाना स्टार्ट कीजिए। जो इसका टेस्ट है ना दोगुना बढ़ जाएगा अगर आप बारिश में बनाएंगे तो। ऐसे गर्मी में बनाएंगे तो आपको भी गर्मी लगेगा बनाने में भी और खाने में भी। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं पकौड़े के जैसे। अगर आपको ग्रेवी में डालना है तो थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सभी बॉल को तल लें, उसके बाद आगे की तैयारी करें। तो दोस्तों जो प्याज टमाटर हरा मिर्च को मैं पका के रखी थी ये भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अब इसका बनाएंगे पेस्ट।
आप ऐसे बनाएंगे ना तो बहुत कम समय में आपका ये सब्जी तैयार हो जाएगा, आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ। तो दोस्तों उसी पैन के अंदर आपको डालना है थोड़ा सा तेल, खड़ा गरम मसाला, सूखी मिर्च। एक मैं सूखी मिर्च का इस्तेमाल की हूँ फ़ौरन में। अब क्या करना है, इसके अंदर डालना है पेस्ट, जो आप प्याज का पेस्ट बनाए हैं। इन सबको 2 मिनट भूनना है, उसके बाद डालना है इसमें मसाला। मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, गरम मसाला। अब इन सबको सही से मिक्स करके आप अच्छे से भूनिए। जब तक मसाले के अंदर से खुशबू ना आए तब तक आपको पानी इस्तेमाल नहीं करना है। मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो दोस्तों आप आराम आराम से मसाला भूनिए, आपका सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगा। मेरे यहाँ लाइट नहीं है, इस वजह से आपको इस सब्ज़ी के अंदर लाइटिंग का थोड़ा कमी महसूस होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से लाइट नहीं है, पर सब्ज़ी मेरा बहुत टेस्टी बनेगा क्योंकि इतना मतलब इसमें से खुशबू आ रहा है ना अभी, मतलब क्या बताऊँ आप लोग से। तो देख सकते हैं दोस्तों मसाला सही से भून गया है, उसके बाद में इसमें पानी डाली हूँ। अब क्या करना है, अच्छे से इसको पकाना है, उसके बाद ही बॉल डालना है। मैं लास्ट में नमक का इस्तेमाल की हूँ। आप देखिए ग्रेवी जो है सही से पक गया है, तो मैं इसके अंदर बॉल को डाल दे रही हूँ। तो आपको जितना सब्जी बनाना है उस हिसाब से आप सामग्री इस्तेमाल कीजिए, आपका सब्जी बहुत टेस्टी बनेगा। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत कम समय में आपका सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घर पे ट्राई करें। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मेरा सब्ज़ी बना है। तो आप भी, बारिश का मौसम है, बनाइए खाइए। थैंक यू।